हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ईशान एंड वेलकम टू माय चैनल डीजे क्लास। दोस्तों, आप लोग के लिए जो मैं आज न्यूज़ लेकर आया हूँ वो बिहार के लिए स्पेशल है। दोस्तों, बिहार के जो स्टूडेंट हैं, जो जेई हैं, जिन्होंने बिहार से डिप्लोमा पास आउट किया है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। तो मैं आज इसके ऊपर बात करने वाला हूँ पूरी डिटेल से। दिखा रहा है कि डॉक्टर और इंजीनियर की तरह अब होगी जेई की बहाली। दोस्तों, इस पर मैं पूरे डिटेल से बात करने वाला हूँ, तो हमारे वीडियो को लास्ट देखिए। इसमें क्या है, सरकार ने जो जेई के लिए क्या लाया है, उसके लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन है, पूरा चेंज होने जा रहा है। दोस्तों, ये आपका जानना बहुत ही जरूरी है। जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, जो लोग बिहार से कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही जरूरी जानना। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए और जानिए इसमें सरकार आपके लिए क्या ला रही है, आपके लिए बेनिफिट है कि आपके लिए कोई नुकसान है। ये देखते हैं इसे बढ़ा करके। दोस्तों, यहाँ दिखा रहा है कि डॉक्टर इंजीनियर की तरह अब होगी जेई की बहाली। यहाँ दिखा रहा है अच्छी पहल। ये दोस्तों यहाँ दिखा रहा है सरकार इसे अच्छी पहल मान रही है। बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज से पास आउट छात्रों के लिए 50% सीटें होंगी आरक्षित। यानी दोस्तों, बिहार से कोई भी वैकेंसी अगर आएगी तो बिहार से जो पास आउट किए हैं पॉलिटेक्निक, तो उसके लिए 50% जो है पूरी तरह से वो रिजर्व होंगी। देखिए दूसरा पॉइंट में, जेई की नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग तैयार कर रहा प्रस्ताव। ये दोस्तों प्रस्ताव तैयारी में चला गया, ये तैयार होने वाला है। चलिए अब जानते हैं डिटेल से, स्टेप बाय स्टेप। राज्य सरकार की नौकरियों में अब डॉक्टर इंजीनियर की तरह कनी अभियंता यानी जेई की बहाली होगी। सामान्य प्रशासन विभाग इससे जुड़ा प्रस्ताव तैयार कर रहा है। हाल में ही राज्य सरकार ने इंजीनियर डॉक्टर की नियुक्ति का प्रावधान बदला है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि डॉक्टर और इंजीनियर जो है उसका जो है डायरेक्ट अब बहाली होगा। उसके लिए कोई वैकेंसी जो भी आएगा तो उसको डायरेक्ट कैंपस से सिलेक्शन कर ले जाएगा उसके मार्क्स बेसिस पे। तो सेम उसी के तर्ज पर जेई की बहाली होने वाली है। देखिए आगे क्या बोल रहा है, जेई की नियुक्ति में भी डॉक्टर इंजीनियर वाली व्यवस्था की गई, तो बिहार से पॉलिटेक्निक पास करने वाले छात्रों को लाभ मिलेगा। यहाँ दोस्तों, अगर आप बिहार से पॉलिटेक्निक पास हैं तो आपको डायरेक्ट कैंपस से ही आपका मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं कि जो बहाली होगा वो कैसे होगा। अंकों के आधार पर होगी बहाली। चलिए देखिए, राज्य सरकार ने पिछले दिनों चिकित्सा पदाधिकारी, सहायक अभियंता और पशु चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब इन पदों के लिए साक्षात्कार यानी जो इंटरव्यू है वो नहीं होंगे। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में प्राप्त अंक के आधार पर नियुक्ति होगी। यह दोस्तों यहाँ पर साफ लिखा गया है, जहाँ से आप पास आउट किए हैं वो जो कॉलेज है वहाँ अब जितने भी अंक प्राप्त किए हैं अपनी डिग्री में, उसी के आधार पर आपकी नियुक्ति कॉलेज से हो जाएगी डायरेक्ट। मेरिट लिस्ट का आधार तकनीकी कॉलेजों में लाए गए अंकों को बनाया जाएगा। यानी आप जहाँ से पास किए हैं वहाँ आप जितने भी अंक लाए हैं उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा और आपकी नियुक्ति बिहार के जिस भी जिले से निकलेगी वैकेंसी वहाँ आपकी वैकेंसी डायरेक्ट सिलेक्शन के द्वारा हो जाएगा, ऑटोमेटिक कैंपस सिलेक्शन। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उनमें राज्य में स्थित इंजीनियरिंग, मेडिकल और वेटनरी कॉलेज से पास अभ्यर्थियों के लिए खाली पदों का 50% पद आरक्षित होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जितने भी सीट निकलेगा उसके 50% जो सीट है वो बिहार से पास आउट लोगों के लिए ये रिजर्व होगा। ये आरक्षण 36 होगा, यानी इसका मतलब क्या है कि सभी आरक्षण कोटी में बिहार के कॉलेजों से पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 50% पद आरक्षित होंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि जो आप बिहार से पास किए हैं तो आपके लिए 50% पहले से फिक्स रहेगा। सूत्रों के मुताबिक इंजीनियर और डॉक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के बाद कनी अभियंता यानी जेई के पद पर बहाली को लेकर भी यही प्रावधान किया जाएगा। यानी पहले जो था डॉक्टर इंजीनियर का, ये चीज़ पहले से लागू है और अब जो है जेई के लिए भी ये सेम प्रस्ताव लागू किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग को इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है, इस पर जल्द ही मुहर लगने की उम्मीद है। यदि ऐसा हुआ तो बिहार से पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को राज्य सरकार के अधीन ज़्यादा तादाद में नौकरी मिलेगी। दोस्तों, यहाँ जो कहा जा रहा है अगर ऐसा हुआ तो बिहार के लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिलेगी। दोस्तों, मैं चाह रहा हूँ कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि ये जो सरकार जो व्यवस्था ला रही है कि डायरेक्ट कॉलेज से ही आपको मार्क्स के बेसिस पे आपको सिलेक्शन कर लेगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये जो व्यवस्था है वो अच्छा है या ख़राब है। जो भी है आपको जैसा क्या लग रहा है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए।
ताकि जान सकूं कि आप लोगों की क्या राय है। दोस्तों अच्छा लगे वीडियो तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए। दोस्तों इसी तरह के वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।